हेलो स्टूडेंट्स, दोस्तों अगर आप पावर पॉइंट में इस तरह की इंडक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल की, तो हमारा आज वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमने ए टू जेड आपको इस तरह की प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को बनाना सिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद आपको आ जाना है इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। इंसर्ट ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर एक शेप्स का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। पहला रेक्टेंगल थोड़ा सा यहाँ से बड़ा बनाए, फिर दोबारा यहाँ से रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे आ गया, यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। चाहे तो इसी रेक्टेंगल को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, सी वी करके इसको कॉपी पेस्ट कर लें, एडजस्ट कर लें, फिर यहाँ पर वी बटन प्रेस कर दें, फिर पेस्ट कर लें। और इस तरह में यहाँ पर आपको पहला काम रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, फिर इसको एडजस्ट कर लें इस तरह। उसके बाद आपको पहले रेक्टेंगल पे जाना है, यहाँ पर फॉर्मेट टैब आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप सेव को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेव फिल पे जाना है, सेव फिल पर क्लिक करें। सेव फिल पे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पिक्चर्स का, फॉर्म ऑफ फाइल पे आपको जाना है। कोई सी भी एक पिक्चर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें जो पिक्चर आपको सही लगे, जैसे हम यहाँ पर एक पिक्चर यह सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह आपको सब में पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से सेव फिल पे जाना है, पिक्चर्स पे जाना है, फॉर्म ऑफ फाइल पे जाना है, और जो भी पिक्चर आपको यहाँ पर सही लगे वो फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेम इसके भी वही काम करना है हमें, यहाँ पर पिक्चर्स। सेम यही काम आपको करना है, इस बार फिर से आप यहाँ से सबसे पहला काम आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको डिजाइन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। पीछे बैकग्राउंड में कोई डिजाइन आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, जो भी कलर आप देना चाहें, जैसे ये कलर हमें देना है, यहाँ पर इस क्रम में कलर देना चाहते हैं तो ये कलर यहाँ सेलेक्ट कर लें। फिर आपको यहाँ क्या करना है, कंट्रोल डी बटन यहाँ पर प्रेस करना है डुप्लीकेट के लिए। इससे क्या होगा, स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। फिर आपको इस स्लाइड को नीचे लाना है, इस वाले के सेव को ऊपर ले जाना है, फिर आपको इस सेव को नीचे लाना है, इस सेव को ऊपर ले जाना है, फिर आपको कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है, फिर सेम यही काम आपको करना है। इस बार फिर से आपको इसको ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है, इसको यहाँ पर ले जाना है और इसको भी इधर नीचे लाना है। फिर से आपको कंट्रोल डी बटन यहाँ प्रेस करना है, इस बार आपको इसको नीचे लाना है, यहाँ से रिसाइज करें, छोटा करें। इस वाली फ़ोटो को आपको बड़ा दिखाना है ऐसे में, तो इसको ऐसे में दिखा दें। फिर आपको ये करना है, इस वाली फ़ोटो को भी यहाँ से छोटा करें, और लास्ट वाली फ़ोटो को हमें बड़ा दिखाना है तो इसको ऐसे दिखा। फिर आपको कंट्रोल डी बटन यहाँ से प्रेस करना है, फिर आपको इस वाली इमेज को छोटा करना है, इसको आप छोटा कर, इसको यहाँ साइड में रखें। इस वाली इमेज को आपको इंक्रीज कर देना है, बड़ा कर देना है, इसको यहाँ से ऐसे रख दें। फिर आपको इस वाली इमेज को यहाँ से छोटा कर देना है एकदम, और ये वाली इमेज जो है इसको आपको यहाँ से बड़े में दिखाना है, तो इसको बड़े में यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर, ऐसे आपको करना है। फिर आपको कंट्रोल डी बटन यहाँ से प्रेस करना है, फिर आपको इसको ऐसे रखना है, इसको थोड़ा सा ऐसे रखें, इसको इधर ले आएँ, और इसको भी आपको यहाँ पर ले आना है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर। फिर आपको कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है, इनको आपको आगे बढ़ाते जाना है ऐसे, इसको भी और इसको भी। फिर कंट्रोल डी बटन आपको प्रेस करना है, इस वाली में इसको भी आपको ऐसे आगे ले जाना है, इसको भी ऐसे ही आगे ले जाना है, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, इसका साइज़ आपको डिक्रीज कर देना है, इसको भी आगे बढ़ा देना है। सेम काम, फिर आपको कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, फिर आपको इसको यहाँ से थोड़ा सा रिसाइज कर दे, बड़ा कर। फिर कंट्रोल डी बटन प्रेस करें, फिर इसको आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, और इसको भी आपको यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाना है। फिर कंट्रोल डी बटन आपको प्रेस करना है, इस वाली इमेज को यहाँ से हटा दें, फिर इसको आगे बढ़ा दें, फिर कंट्रोल डी बटन आपको प्रेस करना है, इसको यहाँ से आगे बढ़ाना है, इसको ऐसे, और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा रिसाइज कर दें। फिर आपको कंट्रोल डी बटन दबाना है, इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से रखें। फिर कंट्रोल डी बटन आपको प्रेस करना है, इसको भी आपको ऐसे आगे बढ़ा दें, कंट्रोल डी पूरी तरह से इमेज यहाँ से आगे होगी। फिर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे ऑल डन हमें यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है, और यहाँ पर हमें लिख देना है ऑल डन, साइज इंक्रीज कर लें। फिर उसके बाद कंट्रोल डी बटन आपको प्रेस कर देना है, इसको यहाँ से रोटेशन दे देना है, इसको यहाँ से साइज़ थोड़ा सा कम कर दें।
फिर आपको कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देना है, फिर साइज इंक्रीज कर दें, फिर यहाँ से रोटेशन आपको इस साइड कर देना है, फिर आपको कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देना है, एंटर बटन प्रेस कर दें, इसको यहाँ से ले आए, फिर आपको कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देना है, इसको भी यहाँ पे फिट कर लें, पहले साइज थोड़ा सा कम कर लें, इसको भी यहाँ से रोटेशन दे दें, ऐसे कंट्रोल डी करें यहाँ पर, इसको यहाँ से आपको मिडिल में ले आए, बस इतना काम आपको करना है। 20 स्लाइड जैसे हमने बनाई, आप जिस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। फिर आपको सारे स्लाइडों को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, सारी स्लाइडें सेलेक्ट होगी, यहाँ पर आपको ऑप्शन पे आना है ट्रांजिशन पर, ट्रांजिशन पे एक आपको ट्रांजिशन दिखेगा मोर का MORPH, इसको आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है, ये सारी स्लाइडों पर अप्लाई हो जाएगा। ऑटोमेटिक चलाने के लिए ऑन माउस क्लिक दिया है, इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ क्या लगाना है आपको आफ्टर लगाना है, आफ्टर लगाने के बाद यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर दें, फिर अगर आप देखें F5 यहाँ से प्रेस करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर इंडिकेटिव प्रेजेंटेशन बनके रेडी हो गई, तैयार हो गई। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, हमारा आज की वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना, और इसी तरह को जो नया सीखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।